राजस्थान का कोटा शहर यूं तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी कई खूबियां हैं जो इस शहर को बड़ा बनाती है। चाहे कोटा की कोचिंग हो या कोटा की कचौरी, कोटा का डोरिया हो या कोटा का डैम, कोटा का कल्चर हो या कोटा का स्टोन, देश के हर कोने में इसके कदरदान मौजूद मिलेंगे। लेकिन चंबल किनारे बसा कोटा एक और वजह से भी मशहूर है, और वो है कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला। एक ऐसा मेला जब कोटा शहर मिनी इंडिया में तब्दील हो जाता है। कई वजह है जो इस मेले को आज मशहूर बनाती है, लेकिन उन्हें जानने से पहले हमें शताब्दी पार अतीत के झरोखे में झांकना होगा। साल 1892 में महाराव उमेद सिंह द्वितीय ने कोटा रियासत में 3 दिन के दशहरा मेले की नींव रखी। महाराव रावण वध करते, जिसके बाद जश्न मनाया जाता। लकड़ी का बहुत बड़ा रावण का फेस बनाया जाता था, उसके परिवार वालों का मुख बनाया जाता था, उस पर रंग रोगन करते थे, और महाराव आकर रावण का जो नाभि कुंड होता था उसमें तीर चलाकर उसको तोड़ते थे। और इस तरह से यहाँ पर रावण वध की परंपरा थी, और रावण को रावण भी नहीं कहते थे, रावण जी कहकर पुकारते थे। रावण वध के बाद लोग एक दूसरे से कहते, रावण जी को तीसरो, कोटा बाहर नीसरो, यानी रावण मर गया, उसका तीसरा भी हो गया, अब अपने गांव लौट चलो। उमेद सिंह द्वितीय ने इस मेले की अवधि बढ़ाकर 7 दिन कर दी। दूसरे राज्यों से लोग, व्यापारी और किसान आने लगे। साल 1921 में इस मेले की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंप दी गई, जिसके बाद ये मेला 7 दिनों से 27 दिनों का हो गया। साल दर साल इसकी भव्यता बढ़ती गई। पूरे हिंदुस्तान से लाखों लोग कोटा दशहरा मैदान में जुटने लगे। ये मेला शहरी ग्रामीण संस्कृति के लिए जाना जाने लगा। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो पूरी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की लोक कलाओं को उजागर करता है ये मेला। जहाँ एक और मनोरंजन देता है, साथ ही साथ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जन भावनाओं को प्रेरित करता है। धीरे धीरे ये मेला राजस्थान की पहचान बनने लगा, और आज कोटा दशहरा मेला देश के सबसे लंबी अवधि के दशहरे मेले के रूप में विख्यात है। एक शहर में अनेक प्रदेश, 27 दिन और सैकड़ों कलाकार, हजारों दुकानें तो लाखों खरीदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कोटा दशहरा मेले की, जो कि देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले दशहरे मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आपको भी सैर कराते हैं कोटा के इस दशहरे मेले। कोटा के मशहूर दशहरे मेले हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। कालबेलिया डांसर गुलाबो जब धुनों पर लहराती है तो देखने वालों की आंखें थम जाती हैं। गाने की धुन तेज है या नाचने वाले की धनक, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल मालूम होता है। गुलाबो को ये बहुत पसंद करते हैं, इस डांस को बहुत मान सम्मान देते हैं कि मैंने पिक्चर से स्टार्ट किया था, और इस कोटा में मैं हर दशहरा मेला में डांस करती हूँ। बॉलीवुड सिंगर स्वरूप खान ने तो संगीत का रूप और संवार दिया। दशहरा मेला मुझे लगता है कि राजस्थान
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो पूरी हिंदुस्तान में कहीं का भी आर्टिस्ट हो, उनको बहुत प्यार मिलता है। अरविंद कुमार जब राखी संग नाचे तो जनता झूम उठी। राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो कई जगह करते रहते हैं, लेकिन कोटा की अपनी खासियत है, वो सारे दर्शक ये हर जगह मिल नहीं सकते। तो मैं कोटा के नगर पालिका का और कोटा के तमाम दर्शकों का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। दशहरा फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ की जो क्राउड, जो ऑडियंस जो देखने को मिलते हैं, जो इतना पसंद कर रहे हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। मेले की ये मस्ती मंच से मैदान तक बिखरी है, गलियों से लेकर चौराहे तक सब रंगत में रमे हैं। ठाट बाट के साथ राम बाराती शहर की गलियों में से गुजर रहे हैं। हाथी घोड़ों पर सवार गाजे बाजों के साथ सैनिक सेवकों की टुकड़ियां सीता जी को लाने निकल पड़ी हैं। गलियों में से होती हुई राम बारात दशहरा मैदान तक पहुंचती हैं, जहां श्री राम सीता का विवाह संपन्न होता है। उधर कोटा की शान गढ़ पैलेस को सजाया गया है। ऐसा लगता है मानो गढ़ पैलेस ने भी शाही वेशभूषा पहन ली हो। यहां विदेशी पावनों की महफिल जमी है, जो हड़ौती क्षेत्र का चक्री नृत्य देखकर चकित हैं। विदेशी जिस तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो वाले प्रोग्राम यहाँ पर उनकी रुचि के प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी ये इच्छा होती है कि वो यहाँ आकर वो सब देखें और एक ही जगह पे उनको ये सब मिलता है। शिखावटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य सैलानियों को नाचने को मजबूर कर देता है। इजराइल, इटली, जापान और जर्मनी से आए सैलानी राजस्थानी रंगों को कैमरे में कैद करने लगते हैं। Everything about it is beautiful. Everything about it is very different from the other places that we visited. It's just unique and sweet nectar. It's amazing. गढ़ पैलेस में दरी खाना रस्म निभाई जाती है। सफेद वेशभूषा और रंग बिरंगी पगड़ी पहनना दरी खाना रस्म की दरकार होती है। कोटा राज परिवार सबसे मिलकर हालचाल जानता है। शहर के गणमान्य लोग, जागीरदार और ठिकानेदार एक दूसरे से मिलकर अभिवादन करते हैं। रियासत काल से चली आ रही स्नेह मिलन की ये रस्म रावण दहन से ठीक पहले आयोजित की जाती है। दरी खाना एक काफ़ी पुरानी रस्म है, जहां कोटा के राज परिवार के सदस्य सभी शहर के गणमान्य नागरिकों से और आम जनता से मिलते हैं और दशहरा की राम राम करते हैं, बधाई देते हैं। अब रावण दहन स्थल की ओर रवानगी होती है। चारों वेदों का ज्ञाता रावण था महाबलशाली, सोने की लंका को लेकर था बेहद अभिमानी। सीता को हरण कर उसने राम को ललकारा था। जानता था वो पंडित कि उसे श्री राम से मोक्ष पाना था। मंगल भवन अमंगल हारी, राम है, लक्ष्मण है और संग है वीर हनुमान। थाम के धनुष,
विजय को जा रहे श्री राम भगवान। गढ़ पैलेस से दशहरा मैदान तक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की शाही सवारी निकलती है, जिसमें शहरवासी, राज परिवार के सदस्य और सैलानी शामिल रहते हैं। रोशनी से रोशन गढ़ पैलेस इस शोभा यात्रा की शीश झुकाकर पैरवी करता है। दशहरा मेला जो है कोटा का, वो एक हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी आत्मीयता से जुड़ा हुआ पर्व है। ढोल नगाड़ों के साथ ये झांकियां दशहरा मैदान तक पहुंचती है। झालावाड़ का बिंदौरी नृत्य देखकर लोग उसमें बंध जाते हैं। डफली की थाप पर लकड़ी की मार, ऐसा नाच कि रोमांच से भर दे। दंभ के मद में चूर अत्याचारी असुर एक सुर में रावण की जयकार लगा रहे हैं। वहीं वानर सेना दंभी रावण के पुतले को देखकर कहकहा लगा रही है। किसी झांकी में सीता का हरण कर ले जाता रावण दिखता है, तो किसी झांकी में युद्ध के लिए जाते रामचंद्र। कहीं माँ काली असुरों का सर्वनाश करती दिखती है, तो कहीं हाहाकार करती राक्षसों की सेना। इस तरह लक्ष्मी नारायण जी की सवारी दशहरा मैदान पहुंचती है, जहां अहंकारी रावण का विशाल पुतला अट्टहास कर रहा होता है। लंकापति रावण का ये पुतला 72 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई का है, जिसको बनाने में महीनों की मेहनत लगी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को देखने के लिए कई जाति धर्म समुदाय के लाखों लोग यहां पर उमड़ते हैं, जो कि कौमी एकता की अपने आप में एक मिसाल है। हाथी से भी भारी रावण के पुतले और 40 फीट ऊंचे मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को बनाना और खड़ा करना मुश्किल काम होता है। नगर निगम इसके लिए बाकायदा इंजीनियर्स की मदद लेता है। पुतलों के मुंह हिलाने, तलवार घुमाने और अट्ठास कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। रावण के सिर एक एक कर जलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। इन पुतलों में सैकड़ों तरह के पटाखे इस्तेमाल होते हैं। लोगों की भीड़ अहंकार के दहन का इंतजार कर रही है। राज परिवार के राजकुमार सीता मैया के पाने ज्वारे की पूजा करते हैं और रावण की नाभि में अमृत कलश पर तीर चलाते हैं। हुआ युद्ध और हार गया अभिमान रावण, मिट गया पाप, संताप हो गई रावण। रावण दहन के साथ ही आसमान जय घोषों से गूंजने लगता है। सब एक सुर में जय जयकार करते हैं। आतिशबाजी के साथ रावण का कुंबा राख होने लगता है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगले साल रावण दहन होगा, क्योंकि रावण सबके मन में है। श्री राम तो अभी मन में है। मन का रावण मारना होगा, नहीं तो हर बार रावण दहन नहीं, रावण दहन होगा। लोगों का आनंद दोगुना होने लगता है। इतना जन सैलाब की कोई किनारा नहीं। आलम ये कि 360 डिग्री के एंगल से फोटो लेने के बाद भी हजारों लोग फ्रेम के बाहर रह जाते हैं।
चारों तरफ उजियारा ही उजियारा, अंधेरे का कोई हौर नहीं, आतिशबाजी का आतिशबाजी का दौर, खुशियों का कोई छोर नहीं। चौदह बरस के वनवास के बाद राम जब अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, दीप जलाकर उनका स्वागत होता है और भारत मिलाप के बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। रावण दहन का ये विशाल आयोजन कोटा दशहरा मेले का बस आगाज भर है। मेला तो यहाँ से और परवान चढ़ता है। चंबल का किनारा मेले से गुलजार है, तो लोग खुशियों से खुशहाल। कहीं पशु मेला सजा है, तो कहीं खरीदारों का मजमा लगा है। यहाँ कोई घूमने आया है, तो कोई खाने का लुत्फ उठाने, कोई कारोबार करने आया है, तो कोई खरीदारी करने। चाहे कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, असम हो या गुजरात की जनता सारी, देश के कोने कोने से लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं। पूरे देश का व्यापारी आता है, ऐसा नहीं कोटा राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी आता है। मेला समाप्ति के महीने महीने भर बाद तक भी वो यहाँ दुकानों में अपना व्यापार करता है। सुबह से सांझ तक चहल कदमी बढ़ती जाती है और रात होते होते रंगमंच संस्कृति से रोशन होने लगता है। मस्ती का यही महोत्सव कोटा दशहरा मेला कहलाता है। श्री राम रंगमंच, विजय श्री रंगमंच और किसान रंगमंच पर सैकड़ों परफॉर्मेंस होती हैं, जिनकी शुरुआत रामलीला और राम कथा से होती है। सभी विशाल आयोजन विजय श्री रंगमंच पर होते हैं और किसान रंगमंच पर हड़ौती की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। शास्त्रीय संगीत संध्या में सुनने वाले सुर तरंग में खो जाते हैं। साथ ही कलाकारों की शागिर्दगी माहौल में और मिठास घोल रही थी। सुर ताल का मिलाप, तबले की थाप और वाहवा का लाभ। गायिका गाने में मग्न थी, तो रसिक जन सुनने में मस्त। राजस्थान की जो संस्कृति है, इन सभी का संगम मुझे कोटा में देखने को मिला और इतना प्यार मिला लोगों से। कुछ अलग बातें यहाँ के वातावरण में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के कपड़े और यहाँ का संगीत भी बहुत सुंदर है। विख्यात भारत नाट्यम नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने बेटी दक्षिणा के साथ संगत की, तो हर जुबान पर वाह थी।
संगीत की आवाज, भाव भंगिमाओं का मिजाज और कदमों का अंदाज तीनों ही लाजवाब थे। इस नृत्य में शब्द नहीं, शैली बोलती है, शैली ही सारी कहानी कहती है। शांत माहौल में संगीत गूंज रहा था और कदम थमने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट। ऑडियंस जो है वो बहुत मिक्स्ड ऑडियंस है, वो शास्त्र नृत्य देखना बहुत पसंद करती है, तो उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नृत्य की जो पहुंच है वो बहुत दूर जा रही है। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोटा दशहरा मेला एक बहुत ही उम्दा मंच है। जो माहौल कोटा दशहरा मेला देती है भारतीय संस्कृति को उभरने के लिए, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सुंदर है। बाल कलाकार भी किसी से कमतर नहीं। सुर से जब ताल मिलाया तो धमाल मचा दिया। इन नन्हे पंखों को ऊंची उड़ान मिले, इसीलिए नगर निगम बाल प्रतिभा कार्यक्रम आयोजित करता है। फिजा में संगीत था तो माहौल में तालियां, हर कोई म्यूजिक के मैजिक में झूम रहा था। मैं यहाँ से 4 साल से डांस कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। इस स्टेज ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है और मैं अपना टैलेंट सबको दिखा सकती हूँ, और मैं यहाँ पे 4 सालों से परफॉर्मेंस दे रही हूँ। अलग अलग राज्यों के कलाकारों की परफॉर्मेंस देखकर लगता है मानो पूरा देश एक मंच पर आ गया हो। दिन अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कवि सम्मेलन होता है, कभी गजल नाइट होती है, कभी पंजाबी नाइट होती है। सो आई लव इट वेरी मच। कलाकार जब थिरकते हैं तो मेला परिसर तालियों से गूंज उठता है। ओडिशा का गोटीपुआ हो या महाराष्ट्र का लावणी, राजस्थान का ये हमारा पहला अनुभव था जो कि काफी अलग और काफी रोमांचकारी था। हरियाणा का फाग नृत्य हो या राजस्थान का गवड़ी, सबकी एक ही मंच पर छटा बिखर जाती है। हम लगातार 12 साल से ग्रुप यहाँ पे कोटा में आ रहा है, और जो कि हमने देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, और ऑल इंडिया के जो कल्चर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। पश्चिमी बंगाल के कलाकारों ने पुरलिया छाहो नृत्य से महिषासुर वध का मंचन किया तो हर कोई हैरान रह गया। भावाई नाच से लेकर झालावाड़ के बिंदौरी नृत्य तक सबकी एक ही मंच पर छटा बिखर जाती है। भोजपुरी और सिंधी के रंगारंग कार्यक्रमों से रंगमंच रंगीन रहता है। लोग कार्यक्रमों के साथ साथ मेले के माहौल को भी जीते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको राजस्थान की संस्कृति है उससे टच हो गया, उनको जाने का मौका मिला, वो चीज हमें यहाँ पे आकर के मिली। आई थिंक वी एंजॉय अ लॉट। राजस्थान रंगीला राज्य है। राजस्थानी पगड़ी से लेकर कांच की कलाकारी तक,
हर चीज में रंग का संग है। देश भर से लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं तो दुनिया भर से लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ कोटा का डोरिया भी मिलेगा तो जयपुर का मशहूर लहरिया भी मिलेगा, बीकानेर की तीखी नमकीन भी मिलेगी तो मथुरा के मीठे पेड़े भी मिलेंगे। कुल मिलाकर इस मेले में आपको हर जगह की मशहूर चीजें आसानी से मिल जाएंगी। जगह जगह फूड कोर्ट लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में स्वादिष्ट आलू टिक्की भी मिलेगी तो चटपटे छोले भटूरे भी, मशहूर गोभी पकौड़े देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है, तो वहीं गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इन फूड कोर्ट्स में आपको देश भर का जायका मिल जाएगा। यहां आपको सजने सवरने से लेकर ओढ़ने पहनने तक हर चीज मौजूद मिलेगी। ज्यादातर मेले में मैं शॉपिंग के लिए आती हूँ, बाकी और तो मेले में खासियत यही सही राजस्थानी बोसाई कल्चर अपन को देखने को मिलता है, बोसाई अच्छी चीजें खाने को मिलती है, तो इसलिए मैं मेले में आना पसंद करती हूँ। अच्छे कारोबार और खरीदारी की वजह से ये मेला एक उम्दा कारोबारी केंद्र भी है। 12 महीने मेले करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यही होता है कोटा दशहरा मेले में, और यहाँ विदेश से फॉरनर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी बात कारोबार भी यहाँ पर ठीक है, लोग बाग सामान खरीदते हैं, खुश रहते हैं यहाँ पर। मेले में बाबा अमरनाथ के गुफा की झांकी भी सजाई गई है, जो आपको अमरनाथ धाम के साथ कई मंदिरों के दर्शन भी करा देगी। प्रदर्शनी स्थल में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अलावा सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जिसमें भविष्य की योजनाओं का जिक्र होता है। हमारा प्रयास है कि इसमें विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हमारे पूरे देश से पर्यटक आए, इस मेले में अपनी सहभागिता लें। उधर वेस्टर्न कल्चरल प्रोग्राम के तहत बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर उतरे तो लोगों ने हूटिंग करके स्वागत किया। ये आपके सामने जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। डीजे साउंड पर बाइशेप ट्राइशेप का प्रदर्शन और हूटिंग का दौर। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर यतेंद्र ने जब शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन किया तो माहौल तालियों से भर गया। कोलकाता को छोड़ के दिस इज द सेकंड स्टेज आई सी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी, और ऑडियंस में वो जोश भी था। सो अभी भी अगर आप पूछो, मैं दो बार अभी और भी परफॉर्म कर सकता हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन। गाँव की संस्कृति की झलक कुश्ती दंगल में देखने को मिलती है। दांव पेच और जीत के लिए जोर आजमाइश, जरा भी नजर हटी कि पटकनी पक्की। नजारा ऑल इंडिया चंबल केसरी कुश्ती दंगल का है। यहां जो जीता वही सुल्तान, जिसने दी पटखनी वही दंगल का पहलवान। सबसे खास बात तो ये दंगल है यहाँ का, जो ये यहाँ पे जो कंपटीशन कराते हैं, ये सबसे पूरे भारत में मतलब मशहूर है कोटा का दंगल। किसानों के लिए भी साफा बांधने और मूछें सवारने जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। रौबदार मूछों पर गुरूर का ताव और फिर चेहरे का भाव कि मूछें हो तो मेरी जैसी। जहाँ पुरुषों के लिए मूछ प्रतियोगिता होती है, वहीं महिलाओं के लिए मांडना और मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाती है। सबसे लंबे और सबसे छोटे महिला और पुरुष प्रतियोगिता को लेकर भी काफी उत्साह नजर आता है। हत्था माला प्रतियोगिता और लंबे बाल प्रतियोगिता भी बेहद खास होती है। बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़े गए हैं, प्लस ऐतिहासिक धरोहर है उससे परिचित कराने के लिए भी कुछ नए कदम उठाए गए हैं। वहीं बेस्ट ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता में लड़कियों का दुल्हन सा गेटअप गजब का होता है। परिधान उत्सव में खादी और कोटा डोरिया के परिधानों का प्रदर्शन होता है। मॉडल्स रैंप वॉक से इनका प्रदर्शन करते हैं।
वहीं मिस्टर एंड मिसेज हड़ौती कंपटीशन का सुरूर भी सिर चढ़कर बोलता है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट का एडवेंचर फेस्टिवल रोमांच से भर देता है, वहीं मेले में झूलों की मस्ती झूमने को मजबूर कर देती है। मेले में आए हो और मौज मस्ती ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। कोटा के दशहरे मेले में आपको कला, रोमांच और हैरतअंगेज कारनामों के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आइए थोड़ी सी मौज मस्ती हम भी कर लेते हैं। यहाँ सैकड़ों तरह के झूले लगाए गए हैं। कहीं मैरी गो राउंड है तो कहीं कोलंबस का क्रेज, कहीं रेंजर का रोमांच है तो कहीं टोरा टोरा का ट्रेंड। इन झूलों में बैठकर सब मस्ती में खो जाना चाहते हैं और जब आंखें खुलती है तो खुशी और रोमांच की लहर दौड़ जाती है। दुनिया घूमने का सौदा महंगा लगे तो झूले में झूलकर सस्ते में दुनिया को ही घूमते हुए देख सकते हैं। यही वो तमाम वजहें हैं कि सैलानी यहाँ बार बार आना चाहते हैं। सर्कस के शो ने तो समा बांध दिया। जहां जोकर के जोक्स पर ठहाके लग रहे थे तो वहीं कलाकारों के कर्तव्य ने कमाल कर दिया। मैंने सर्कस देखा, मैंने जोकर से हैंडशेक करा, मैंने उसमें डांस देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोशनी के नीचे मौत का कुआं जगमगाता है, जहां जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बाइक और कारों का बैलेंस देखकर सांसें थम सी जाती हैं। चाहे आप मॉल चले जाएं, चाहे आप किसी गार्डन चले जाएं, या फिर किसी शॉपिंग मॉल्स वगैरह छोटी छोटी जगह पे चले जाएं, लेकिन एक जब मेले आने का क्रेज होता है तो एक अपने आप में बहुत मजे आ जाते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन को मैं उन तमाम सैनिकों के नाम समर्पित कर रहा हूं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मशहूर कवियों का मजमा लगा है। अभी बरेली में प्रोग्राम था, 1-2 लाख आदमी सुनने के लिए आए थे। मंच पर 60 कवि बैठे हुए थे। रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला दूसरा सुनाने वाला। मैंने उससे कहा कि आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं, वो बोला नहीं आपके बाद मेरा नंबर है। कभी व्यंग के बाण छूटते हैं तो कभी हंसी के फवारे फूटते हैं। तारों भरी रात के नीचे मार्मिक कविताएं आंखें पूर्णम कर देती हैं। कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, ये माँ का दिल है जो रह रहे कि अक्सर कांप उठता है और जहाँ मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका। ए पत्थर दिल सियासत देख, पत्थर कांप उठता है और देखती हूँ आप कितने जिंदा दिल हैं, कितने फराक दिल हैं, कि जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। 1957 से शुरू हुआ कवि सम्मेलन आज इस मेले का जरूरी आयोजन बन गया है। बाहर झगड़ना हो
वो तो थर थर कांप उठ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, काका हाथरसी, गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, सारे कवियों को सुनने का सौभाग्य कोटा की या हाड़ौती की जनता को इस मेले ने उपलब्ध कराया है। शब एक कव्वाली में कव्वाली मुकाबले होते हैं। हारमोनियम और ढोलक की जुगलबंदी में कभी सूफियाना अंदाज में कशीदे पढ़े जाते हैं, तो कभी कौमी एकता के संदेश बांटे जाते हैं। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, कव्वाली की धार और तेज होती जाती है। जितने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुशायरे में कलाम पेश किए गए तो सुनने वाले वाह वाह कर उठे। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। क्या कहने बाबा, मैं आजमाइशों में इस उर्दू जुबान में अदब की मिठास से कदरदान मदमस्त हो गए। मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा। फरमाइश और वाह वाही, ये दो चीजें हर दौर में आम थी। सफर में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे सीने संध्या हो, चाहे गजल संध्या हो, चाहे मुशायरा हो, इनमें राष्ट्रीय स्तर का मंच रहता है और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं, भाग लेते हैं। भजन संध्या के दौरान अनुराधा पौडवाल ने जब भजन गाने शुरू किए तो माहौल भक्तिमय हो गया। चांदनी रात और सुरों की बयार, फरमाइशें होती रहीं और भजन चलते रहे। सब भक्ति रस से सराबोर हो गए। खास करके जैसे जयपुर है, कोटा है, उदयपुर में है, तो सभी जगह बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ऑडियंसेस और फैंस तो बहुत इतने सालों से मिलते ही आए हैं, तो एवरी टाइम जब भी मुझे यहाँ बुलाया जाता बहुत अच्छा लगता है। कोटा दशहरा मेला में आपको भजन भी मिलेंगे तो गजल भी मिलेगी। शाम ए गजल में जब गजल उस्ताद तलत अजीज ने गजलें सुनाई तो सुनने वाले सुरों में डूब गए। हर दिल अजीज आवाज ने हर दिल को छू लिया। जैसे जैसे शाम का सुरूर उतर कर रात में गहराता गया, वैसे वैसे गजल का नशा और छाता गया। सिलसिला ये गजल ऐसा चला कि सिवाय संगीत सब पीछे छूट गया। कोई भी फनकार हो, जब उसको पता लगता है कि उसके फन के
समझदार लोग बैठे हैं तो फिर वो जान तन मन धन सारी रूह वहीं ख़त्म कर देता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो गायकी पर दाद देते हैं, तो वो ये इलाका वो है कि गायकी पर दाद देना। पंजाबी कार्यक्रम में गतका नाच होता है तो पंजाबी नाइट में नाच धमाल। पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी ने धुन बिखेरी तो कोटा झूम उठा। कोई हुड़दंग ना हो और वहाँ पे फैमिली महिलाएं सब सुरक्षित हों, ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये सारा श्रेय जो है कोटा को जाता है। जब दोबारा बुलाएंगे तो और चार चांद लगे और ज़्यादा कहते हैं ना कि उसमें खुशी मिलेगी। भारत माता की। दोस्तों मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, आप सबको मेरा नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल। कोटा आई लव यू। एजुकेशनल हब होने के नाते कोटा इज आल्सो वन ऑफ द नंबर वन सिटी ऑफ दिस स्टेट। सिने संध्या में जब सुखविंदर ने सुर बिखेरे तो सबके चेहरे खिल उठे। आम हो या खास सब झूमने को मजबूर हो गए। कोटा फॉर एजुकेशनल हब, आई लव यू कोटा फॉर म्यूजिक, आई लव यू कोटा फॉर स्ट्रेंथ। दशहरा हो, दिवाली हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, ईद हो, दिवाली हो, सब कुछ के लिए कोटा इज़ द बेस्ट। मेला दशहरा जब भी नाम आता है तो मुझे उस राम रंगमंच की याद आ जाती है जहाँ मैंने बचपन में बहुत कार्यक्रम किए हैं और आज उन्हीं कोटा वासियों की और इस मेला दशहरा की यादें मेरे साथ मीठी याद बनकर जुड़ी हुई हैं। रंगमंच जब सितारों से सजता है तो लगता है सारे सितारे जमीन पर उतर आए। 27 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों में नगर निगम कोटा महीनों पहले से ही जुट जाता है। तैयारियों से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए दशहरा मेला समिति का गठन किया जाता है। किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह ब्लॉक बना करके VIPs को बैठाने की व्यवस्था की जाए, आम जनता को असुविधा नहीं हो, सफाई किस तरह से करनी है, आर्टिस्ट किसको बुलाना चाहिए, क्या आप किसको बेहतर करें, तो इस तरह से 6 महीने से हमारा ये कार्य शुरू हो जाता है। मेले की चौपाल में चर्चाएं होती हैं, हर व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय होता है, इसलिए इसमें पूरे नगर निगम का सहयोग लिया जाता है। हमारे लिए विद्युत व्यवस्था बहाल रखना काफ़ी अति आवश्यक है एवं चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए हम तैयारियां यहां पर करीब 1.5 महीने पहले चालू कर देते हैं। ये मेला शासन, प्रशासन, जनता और पुलिस के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसमें जिला प्रशासन रंगमंच के कार्यक्रमों की स्वीकृति, जुलूस समेत कानून व्यवस्थाओं को संभालता है। UIT कम्युनिटी हॉल और गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करता है, कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी प्रायोजित करता है। पुलिस डिपार्टमेंट हर तरह की सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट संभालता है। रसद विभाग पशु मेले के लिए दुकानों के अरेंजमेंट के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर और केरोसिन मुहैया कराता है। आबकारी विभाग मेले के आसपास तक शराब की दुकानों को समय पर बंद करने के लिए पाबंद करता है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑटो टेम्पो और मिनी बस की दरें निर्धारित करता है और मिनी बसें चलाने की व्यवस्था करता है। मेडिकल और आयुर्वेद डिपार्टमेंट मेडिकल कैंप डिस्पेंसरी और स्टाफ की व्यवस्था देखता है। पशुपालन विभाग वेटरनरी डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति करता है। रोडवेज डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा बसों का अरेंजमेंट और रूट निर्धारण करता है। विद्युत वितरण विभाग एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर और घरेलू दरों पर बिजली उपलब्ध कराता है। जलदाय विभाग घरेलू दरों पर पानी की सुचारू व्यवस्था करता है। जनसंपर्क विभाग नेशनल स्टेट लेवल पर मेले का प्रचार प्रसार और सहयोग करता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने कैलेंडर में मेले को शामिल कराने पर चर्चा कराता है। BSNL डिपार्टमेंट मेले में अस्थायी टेलीफोन बूथ का इंतजाम करता है। आगजनी की अनहोनी से बचने के लिए फायर ब्रिगेड 24 घंटे तैयार रहती है। असुविधा की स्थिति में खोया पाया और पूछताछ केंद्र से जानकारी ली जा सकती है। नगर निगम इस मेले को इको फ्रेंडली मेले की तर्ज पर आयोजित करता है ताकि मेले के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा सके। स्मार्ट शहर बनने से अपना आप में है वहाँ की तमाम डेवलपमेंट की संभावनाएं जो हैं, उन डेवलपमेंट की संभावनाओं को ठीक बनाते हुए स्मार्ट शहर बने तो इसका प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने की आवश्यकता है और मेला उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। कोटा दशहरा मेले को गार्बेज फ्री मेला बनाने के लिए SLRM का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कचरे को कंचन में तब्दील कर देता है। एवं अजैविक दोनों प्रकार का जो बचा हुआ माल है जिसको हम कचरा बनाकर फेंक देते हैं उसका पूरी तरीके से निस्तारण ऐसा करती है कि जिससे कि वो हमारे लिए एक रिसोर्स या संसाधन बन जाए। पुलिस प्रशासन भी मेले की तैयारियों में पहले से ही जुट जाता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, कोई चूक न रह जाए इसीलिए तकनीक के सहारे सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। मेले में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाते हैं और वॉच टावर से निगरानी रखी जाती है। हम लोगों को फोर्स डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्बुलेंसेस मेडिकल सर्विसेस एंड एनी अदर एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर दैट वी टेक केयर ऑफ। लोगों को उत्सुकता रहती है कि किस दिन कौन सा प्रोग्राम होगा। नगर निगम की वेबसाइट www.kotadashahramela.com पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा फेसबुक पेज दशहरा मेला कोटा और ट्विटर पेज कोटा दशहरा पर भी सारी जानकारी अपडेट होती रहती है। 34 कंट्रीज और 176 सिटीज के विजिटर्स विजिट हमारी साइट पर विजिट कर चुके हैं, काफ़ी अपनी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और दिनों दिन विजिटर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। नगर निगम कोटा आपसे भी आग्रह करता है कि कोटा दशहरा मेले की वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि देश विदेश से आकर लोग इस मेले का लुत्फ उठा सकें। राजस्थान की पहचान भले ही रेगिस्तान से हो लेकिन कोशिश ये है कि लोग इसे कोटा दशहरा मेले से जानें। भविष्य में मेले को और भव्य बनाने की योजना है ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। दशहरे मेले के प्रगति मैदान के तर्ज पर विकसित करने का एक रोड मैप बनाया गया है, प्रोजेक्ट बन गया है, उस पर काफ़ी काम चल रहा है। दशहरा मेले के मुख्य प्रांगण में एक ऑडिटोरियम वो जो अपन मल्टीपर्पज उद्देश्य से भी यूज कर सकते हैं, ओपन एमपी थिएटर भी बनाया जाएगा, वाईफाई जोन और एम्यूजमेंट के साथ संसाधन भी इसमें और जोड़ेंगे। समापन दिवस पर श्री कृष्ण महारास होता है। इस तरह राजस्थानी लोक रंगों से शुरू हुआ ये मेला ब्रिज के उल्लास के साथ समाप्त होता है। रंगीन आतिशबाजी के बीच कोटा दशहरा मेला अलविदा होता है। जाहिर है कोटा दशहरा मेले में घूमकर आपको खूब मजा आया होगा। कोटा दशहरा मेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायदें जोरों से चल रही है जो आने वाले समय में इसके स्वरूप को बिल्कुल नया कर देगी।
राजस्थान के इन रंगों में सराबोर होने के लिए कदी थे भी पधारो निम्हारे देश। बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर आप कोटा दशहरा मेला का आनंद उठाने के लिए आइए। कोटा दशहरा मेला आकर इस भारतीय संस्कृति कलाओं का अनुभव करें, क्योंकि ऐसा मंच, ऐसा माहौल पर, ऐसे माहौल में भारतीय संस्कृति को देखने का मौका आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। ज़रूर आइएगा, कोटा दशहरा मेला देखने ज़रूर आए। ज़रूर ज़रूर, मतलब इसका पूरा लाभ लें, और जिस तरीके से अरेंज किया जाता है बहुत ही पद्धति से, तो मतलब मैं बधाई देती हूँ नगर निगम को। कोटा का दशहरा मेला देखने जरूर आएं। कोटा दशहरा मेला में जरूर शिरकत जिंदगी में एक बार कीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। कोटा दशहरा मेला देखने एक बार जरूर से जरूर आए। इस मेले में आए ज्यादा से ज्यादा लोग, इज जस्ट बिकॉज अगर आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होंगे, हम लोगों का और इसके ऑर्गेनाइजरों का उतना ही हौसला अफजाई होगा। कोटा दशहरा मेला देखने जरूर आइए। भारत देश के सभी लोगों को और भारत देश से बाहर भी लोगों को कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर आपको कोटा आना है और दशहरा मेला देखना है, जरूर आइएगा। इंडिया की खुशी है, मेला है, उसको किस तरह सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस तरह इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको कोटा में मिल जाएगा। आप भी एक बार कोटा दशहरा मेला देखने जरूर आए। केसरिया बालम आओ निजारे पधारो म्हारे देश, देश रे पधारो।